हाय फ्रेंड, मैं हूँ अश्विनी। अश्विनी मेजवानी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र की बहुत फेमस ये बाकरवड़ी। बहुत टेस्टी और बहुत स्वादिष्ट आता है। दिवाली होली उसी टाइम इसे ज़रूर बनाया जाता है। तो अभी होली आ रही है तो हम होली स्पेशल बनाएंगे ये बाकरवड़ी। जिस दिन फेस्टिवल है उस दिन अगर हम स्नैक्स बनाने में लग गए तो हम फेस्टिवल अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते। तो कुछ ऐसी चीज़ें हम पहले प्रिपेयर करके रखेंगे जिससे हमें फेस्टिवल भी हम इंजॉय कर पाए और हम फेस्टिवल के दिन अच्छा खा भी पाए। इसलिए हम पहले ही बाकरवड़ी बना के रखेंगे। बाकरवड़ी जल्दी से ख़राब नहीं होती, बहुत टेस्टी, क्रिस्पी और खस्ता बनती है। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। बाकरवड़ी बनाने के लिए हम यह लेंगे, तो यह मैंने 2 कप मैदा लिया है। मैं डालेंगे 2 चम्मच बेसन। बेसन आप अवॉइड भी कर सकते हो। इसमें जाएगा थोड़ा सा अजवाइन, 1/2 छोटा चम्मच। अजवाइन को हम इस हाथ में क्रश करके डालेंगे और ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक टेस्ट के लिए। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं इसमें ना गरम किया हुआ तेल घी डालना है, तो मैंने यहाँ गरम करके घी लिया है, तो मैं घी का यूज करूँगी। आप ऑयल भी यूज कर सकते हो। तो यह मैं 4 चम्मच मैंने यहाँ घी गरम कर दिया है इस तरह से, और इसे हम हाथ से नहीं छुएंगे, पहले हम स्पून से इसे मिक्स करेंगे क्योंकि घी बहुत गर्म है। इस तरह से गर्म घी से ना बाकरवड़ी में ना अच्छे से खस्तापन आ जाएगा और ज़्यादा देर तक हमारी ये बहुत टाइम तक ये हमारी बाकरवड़ी क्रिस्पी और खस्ता रहेगी। इसलिए हम गर्म ऑयल का यूज कर रहे हैं। और इसे अच्छे से मसलते हुए हमें अच्छे से घी पूरे अब मैदे में मिक्स करना है। आप आधा मैदा और आधा आटा भी ले सकते हो। और हम जैसे हाथ में ऐसे प्रेस करें हमारा ये मैदा, तो हमारे हाथ में ये लड्डू बनना चाहिए। इतनी क्वांटिटी में इसमें घी यूज करना है या ऑयल, आप जो भी यूज करोगे। और अभी हमें इसका ना एक टाइट से डो तैयार करना है। तो डो बनाते टाइम हमें पानी बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसका डो लगा देंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके एक टाइट सा डो हमें रेडी करना है। टाइट सा डो तैयार कर दिया है। अभी हमें इसे 10-15 मिनट के लिए ढक के रखना है। तब तक हम इसकी बाकरवड़ी की जो अंदर की स्टफिंग है वो मसाला है जो हम रेडी कर देते हैं। पैन मैंने गैस पे गर्म करने के लिए रखा है, तो इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ जो ग्रीन सौंफ आती है वो, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच वाइट तिल। और इसे हम बस 1 मिनट इसे भूनना है। ज़्यादा हमें इसे भूनना नहीं है, इतना ही भूनना है हमें, ज़्यादा नहीं भूनना है। तो इसमें डालूँगी 1 छोटा चम्मच खसखस, और इसमें ऐड करेंगे सूखा हुआ ग्रेटेड नारियल। आप इसकी जगह आप उसमें डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज कर सकते हो। ये सारा मसाला हमारा भून के हो चुका है, इसकी फ्लेम ऑफ करेंगे। भून के रखा है, ये ठंडे हो चुके हैं। अभी इसमें हम ड्राई मसाला ऐड करेंगे, तो यहाँ मैं गरम मसाला 1 चम्मच, ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। और 1 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और 1 छोटा चम्मच शुगर। शुगर से इसमें ना एक स्वीटनेस आ जाती है, और वैसे बाकरवड़ी है ना खट्टी मिट्टी होती है, तो इसलिए हम इस मसाले में शुगर ऐड कर रहे हैं। और इसे मिक्स करेंगे, और इसे हम ग्राइंडिंग जार में डाल के इसको पीस लेना है। तो अभी मैं इसका पाउडर बना लेती हूँ। हमारा मसाला भी पीस के रेडी हो चुका है। देखो ये मसाला हमारा रेडी है। तो अब हम बनाते बाकरवड़ी की सीट। हमारा डो भी अच्छे से सेट हो चुका है। इसको हम 1 मिनट के लिए अच्छे से गूंथ लेंगे। तो हम इसमें से जितना हमें बड़ा सीट बनाना है उसी हिसाब से हम इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेके इसकी एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। तो मैंने इतना पोर्शन लिया है और बाकी का हम साइड में रख देंगे। तो अब हमें एक बेलन की हेल्प से इसका एक बिल्कुल पतली सी हम इसका एक बड़ा सा पराठा ये रोटी बेल देंगे। इसका हम रेडी कर देंगे सीट। तो मैं इसे बेल लेती हूँ। इस तरह से मैंने ये इतनी बड़ी और इस तरह की ये
रोटी बेल दिए, तो हम इसे थोड़ा सा इसे काट के इक्वल कर देंगे। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा है उस साइड से हम इस तरह से कट कर देंगे, तो ये हमारा इक्वल रोल बन जाएगा इस तरह से। भाकरवड़ी खट्टी मीठी होती है, तो हम इसके ऊपर ना इमली का खट्टा मीठा चटनी लगाएंगे। तो इसे हम इस तरह से स्प्रे कर देंगे। हमें एक साइड से थोड़ा सा पेस्ट रखना है, थोड़ी सी साइड में चटनी नहीं लगानी है जहाँ से हमें क्लोज करना है। और ये चटनी लगाने से ना बहुत अच्छा सा एक टेस्ट आ जाता है भाकरवड़ी में, वो खट्टा मीठापन जो मार्केट में भाकरवड़ी मिलती है ना उस जैसे टेस्ट आ जाता है हमारी भाकरवड़ी में। तो इस तरह से मैंने ये मसाला रेडी कर दिया है, वो अभी हमें स्प्रेड करना है। तो मैं इसे इसके ऊपर स्प्रेड कर देती हूँ इस तरह से। आपको जितना ज़्यादा कम ज़्यादा आपको स्प्रेड करना है उसी हिसाब से आप करना इस तरह से। ये मसालेदार और टेस्टी सी हमारी ये भाकरवड़ी रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने ये मसाला स्प्रेड कर दिया। अभी हम इसके ऊपर मिलाएंगे सेव, जो बारीक आता है मीडियम साइज़ का, ज़्यादा मोटी भी नहीं है ना ज़्यादा बारीक है। तो इसमें ये डलने से ना जब भाकरवड़ी खाते हैं ना तो क्रिस्प और क्रंच आ जाता है इस सेव से, तो इसलिए। और अभी हमें एक टाइट से इसका रोल तैयार करना है। तो जिस साइड ने हमने ये पेस्ट रखा है उस साइड से हमें ये रोल नहीं करना है, इस साइड से रोल बनाना शुरू कर देंगे। तो देखो इस तरह से हमें ये बाजू उठा के हमें एक टाइट सा रोल तैयार करना है इस तरह से। बिल्कुल आराम आराम से करेंगे, इसमें हम एयर जाने नहीं देंगे। आप इस मसाले को बेलन से भी एक जैसे कर सकते हो, मैं भूल गई, इस तरह से। तो एक जैसे ये हमारा पूरा फ्लैट हो जाएगा और हमें रोल बनाना इजी हो जाएगा इस तरह से। और फिर हम अपना रोल शुरू कर देते हैं आगे इस तरह से। आप बिना बेले भी बना सकते हो, पर इस तरह से ये नीचे बैठ जाता है ना, तो हमें ये रोल बनाते टाइम आसानी हो जाती है। हमारा रोल है ना एक जैसे बन जाता है इस तरह से, देखो इस तरह से। और ये जो एक्स्ट्रा मसाला जो साइड में गिरा है उसको हम हटा देंगे, और ये हमारा रोल है ना हम इस तरह लेंगे इस तरह से। और हमें ये इस तरह से थोड़ा सा इसे दबाना है, या तो हम इस पे पानी लगा सकते हैं ताकि ये अच्छे से हमारा इसमें चिपक जाए। और इस तरह से हम इसे पैक कर देंगे इस तरह से, देखो इस तरह से हमारा ये रोल रेडी है। और जो साइड से ये एक्स्ट्रा निकल गया इसे हम काट देंगे इस तरह से, तो हमारी ये भाकरवड़ी है ना इक्वली बन जाएगी। और इसे आपको जितने बड़े छोटे पीसेस बनाने, जिस हिसाब से एक एक इंच इतना हम इसका पीसेस बना देंगे, तो हम इसे कट कर देते हैं। तो देखो शार्प नाइफ से हम इसे कट कर देंगे, तो इस तरह से इतने इतने लेंथ के हम पीसेस बनाएंगे इस तरह से। तरह से मैंने कट कर दिया। अभी हमें क्या करना है, इसे ऐसे लेके थोड़ा सा हमें थंब से इसे प्रेस करना है, ज़्यादा नहीं प्रेस करना है, ताकि ये जो हमारा मसाला है ना फ्राई करते टाइम बाहर ना निकले, बस अच्छे से सेट हो जाए इस तरह से। देखो हल्के हाथ से करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है ज़ोर से, इस तरह से इसे थोड़ा सा गोल शेप दे के इस तरह से प्रेस करेंगे इस तरह से ये हमारी भाकरवड़ी रेडी हो जाती है। तो मैं इसी तरह सारी भाकरवड़ी बना लेती हूँ। देखो इस तरह से ये हमारी सारी भाकरवड़ी रेडी है। देखो अब हमें इसे फ्राई करना है।
देखो इस तरह से हमारा ऑयल गरम है, तो अभी एक एक बकरवड़ी हम इसमें छोड़ देंगे। हमारा ऑयल ज़्यादा भी गरम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गरम ऑयल में भी हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। ज़्यादा ऑयल गरम होने से क्या होगा, ये हमारी बकरवड़ी कलर जल्दी चेंज हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्ची रहेगी, पकेगी नहीं अच्छे से। तो इस तरह से जितनी आप इसमें आएगी उतनी डाल के फ्राई कर सकते हो। तो इस तरह से, और अभी हमें इसे तुरंत अलट पलट नहीं करना है, हम बस इस तरह से इसे नीचे ब्लैक ना हो हमारी बकरवड़ी, इसलिए हम इसे थोड़ा सा एक फोर्क की हेल्प से ऐसे घुमाते रहेंगे, ये अपने आप ऊपर आ जाएगी। हम इसे हाई फ्लेम पे नहीं रखेंगे, अगर हमारा गैस की फ्लेम हाई रहेगी तो ये हमारी बकरवड़ी का कलर जल्दी चेंज हो जाएगा, पर उतनी क्रिस्पी और खस्ता नहीं रहेगी, हमारी बकरवड़ी जल्दी से फ्राई हो जाएगी और फिर कुछ ही टाइम में ये सॉफ्ट भी हो जाएगी, इसलिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे इस तरह से, और अच्छे से गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई कर देंगे। और बहुत टेस्टी और क्रिस्पी ये हमारी बकरवड़ी रेडी हो जाती है, और ज़्यादा दिन तक चलती है, जल्दी से ये ख़राब नहीं होती। तो इस तरह से आप इसे ज़रूर ट्राई करना। तो इस होली आप तैयार करके आप पहले स्टोर कर सकते हो, इसे क्रिस्पी होने तक ये हम बकरवड़ी फ्राई कर लेते हैं। देखो इस तरह से हमारी ये बकरवड़ी फ्राई हो चुकी है, इसमें अच्छे से गोल्डन सा कलर आ चुका है, तो अब हम इसे निकाल देते हैं। देखो इस तरह से हमारी गोल्डन क्रिस्पी हमारी बकरवड़ी रेडी है। तो इस तरह से मैं बाकी बची हुई फ्राई कर लेती हूँ। देखो इस तरह से हमारी सारी बकरवड़ी रेडी हो चुकी है, इतनी खस्ता और क्रिस्पी बन जाती है, बहुत दिन के लिए स्टोर कर सकते। टी टाइम स्नैक्स हो जाता है, या आपको अभी होली आ रही है तो होली से पहले हम इस तरह की कुछ स्नैक्स तैयार करके रख सकते, तो हमें बहुत आसानी हो जाती है, तो ये बहुत दिन तक ख़राब नहीं होगी, और इस तरह से ये टेस्टी और स्वादिष्ट सबको बहुत पसंद आएगी। इस तरह हम इसे एयरटाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं, तो ये बहुत दिन तक चलेगी, ख़राब नहीं होगी। और जब हम इसे फ्राई करते हैं ना, तो हमें इसे हाई फ्लेम पे फ्राई बिल्कुल नहीं करना है, इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, ताकि ये हमारी अच्छे से खस्ता बनी रहे। इस तरह से देखो इसका साउंड, इस तरह से हमारी खस्ता और क्रिस्पी ये बकरवड़ी बन जाए। तो इस तरह से आप इसे ज़रूर ट्राई करना। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप भी इस तरह से टेस्टी और स्वादिष्ट ये क्रिस्पी बकरवड़ी ज़रूर ट्राई करें। जिस तरह महाराष्ट्र में ट्रेडिशनल तरीके से बनाई जाती है, उसी तरह हमने आज ये बकरवड़ी बनाई है, बहुत स्वादिष्ट बनती है और बहुत लंबे टाइम तक चलती है, जल्दी से ख़राब नहीं होती है। और बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ हमने ये बकरवड़ी बनाई है, वीडियो में बहुत सारी मैंने ट्रिक्स बताई है, जिसकी वजह से हमारी बकरवड़ी खस्ता और क्रिस्पी बने। तो बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट ये बकरवड़ी की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना। हम फिर मिलेंगे नई सिंपल टेस्टी और स्वादिष्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।